चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर गुंडों और उनके परिजनों ने हमला कर दिया। बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए सागर पुलिस निषादपुरा थाने के अमन कॉलोनी पहुंची थी, जहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस पर पत्थर और मिर्ची पाउडर भी फेंका गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार करने आई थी उन लोगों पर चोरी का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने चेकिंग के नाम पर बैग से करीब 7 लाख रुपए का सोना चोरी किया था, जिस पर खुरई में अपराध दर्ज किया गया था। घटना को जब विस्तार से देखा गया तब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और वहां पर मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल किया गया था वो भोपाल के ईरानी डेरे का पता था, जिसके आधार पर आरोपियों का गिरफ्तार करने खुरई पुलिस आज भोपाल आई हुई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भोपाल के थाना गांधीनगर छोला और निषादपुरा का बल साथ में मौजूद था। सुबह पुलिस ईरानी रिजवान सहित उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने पहुंची, तभी पुलिस और ईरानियों के बीच झड़प हो गई। ईरानी डेरा की महिलाओं ने और कुछ आदमियों ने मिलकर पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पुलिस पर मिर्ची पाउडर तक फेंका, पत्थर भी फेंके गए। पुलिस को मजबूरन आत्मरक्षा में कई राउंड हवाई फायर करना पड़ा। आरोपी रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग में सागर पुलिस के 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। निषादपुरा पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे भोपाल DIG ने कहा कि कार्रवाई पर रुकावट डालने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सागर घुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कुछ ठगी करके आया था। सागर की पुलिस आई थी वहाँ और उसको सायदार्थ लोकल बल भी गया था। वहाँ पे जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे, कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोग व्यवधान जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 के प्रकरण के सर गोली अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की नहीं, उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ये इशू जो है अभी मेरी जानकारी में नहीं है, जिसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर ऐसा है तो भी उसको भी जो है हम लोग अपनी डायरी में समझे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।